हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ संजय सर और आप सभी का देश ऑनलाइन सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बिहार बोर्ड ने प्यारे बच्चों एग्जाम का डेट शेड्यूल कर दिया है, मैट्रिक की परीक्षा का जो डेट आ चुका है, बच्चे सबके धड़कने बढ़ चुकी हैं कि महोदय हमारा पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर बच्चों कब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, कब आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगी, आपको कब एग्जाम हॉल में है ना, कब से प्यारे बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है। तो पूरे विस्तार से वीडियो को देखें आप लोग और देखने के बाद आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दी वीडियो लगेगा बच्चों। और ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मालूम है बच्चों कि हमारा जो मैट्रिक का पेपर है वो 15 फरवरी से होने वाला है। ऐसा हम लोग आस लगाए बैठे थे कि महोदय वही 14-15 तो हम लोग ऐसे भी सोच के ही रखे थे, बहुत बड़ी शौक की बात नहीं है। तो बच्चों फाइनल एग्जाम, ये फाइनल एग्जाम का डेट है बिहार बोर्ड 10th क्लास वाले बच्चों 2024 में जो पेपर देने वाले हैं। तो पहले बच्चों इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये है आपके सामने शेड्यूल, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 15 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट है और 15 फरवरी को हमारा पहला पेपर है। थैंक्स गॉड कि बच्चों पहले दिन मैथ नहीं हुआ। पिछले पेपर में बच्चों फर्स्ट दिन मैथ हो गया, बच्चे बहुत डर गए, बहुत सारे बच्चों ने पूरा पेपर लिखा भी नहीं। तो इस बार बहुत सुकून का पल है, थोड़ा मुस्कुराइए आप लोग, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट दिन मेरे बच्चे हिंदी होने वाला है ना। और जो छात्र मुस्लिम छात्र हैं जिनका उर्दू है उनका फर्स्ट दिन उर्दू है। तो उर्दू वालों ध्यान से थोड़ा सा उर्दू पर फोकस करना अच्छे से, ठीक है। और हिंदी वाले की फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना बच्चों बहुत तगड़ा होना चाहिए, पहला पेपर तो एकदम नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे बच्चों मैथिली वाले, मैथिली देख रहे, कुछ लोग बंगला भी रखते हैं तो बंगला वाले, उसके बाद आप आएंगे घर पर रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे आपको तैयार होना पड़ेगा भाग दौड़ की जिंदगी बच्चों। मैथ, यह है मैथ आपके सामने और यहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चों आपके लिए संजय सर। और ये उस दिन बनेगा बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, उस दिन मेरे बच्चे आप सभी लोग लाइव देखेंगे, हम लोग रात में 10-11 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे बात करते हैं कि एक दिन फिर नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ेगा शनिवार के दिन बच्चों। और ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, इस बार जो हमारा पेपर गुरुवार को शुरू हो रहा है, बृहस्पतिवार को, सबके लिए ये दिन शुभ होता है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों देखते हैं 17 तारीख को हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, क्या है हमारा संस्कृत पेपर, ठीक है। और बच्चों जो लोग मुस्लिम छात्र हैं जिसका नन हिंदी होता है या फिर मैथिली वाले का, तो उनका नन हिंदी होगा, ठीक है। और 18 को संडे एक दिन रेस्ट मिलेगा, बहुत रेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों भेंट होने वाली है आप सभी को किससे, 19 तारीख को, 18 को संडे है रेस्ट है, 19 तारीख को मेरे बच्चे आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान SST सोशल साइंस, पूरे दिन हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 18 को 19 को जाके पेपर देना है, ठीक है। फिर 20 को प्यारे बच्चे आपको पेपर देना है विज्ञान का, साइंस का, और फिर उसके बाद 21 को आपको देना है इंग्लिश का पेपर सबसे लास्ट में है। आई थिंक अगर पहले होता तो अच्छा होता, लास्ट में तो भी अच्छा है, पहले और लास्ट में इंग्लिश को रखना चाहिए मेरा ऐसा मानना है। इंग्लिश का नंबर बच्चों इस बार भी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम मिनिमम बच्चों आपको 40 मार्क्स लाने चाहिए मेरा ऐसा मानना है, ताकि आप बता सकें किसी को, ठीक है। तो रिजल्ट में आपको ये 5 विषय जुड़ेंगे। इसके बाद जो एथिक विषय आपने अगर लिया है तो वो होगा आपका 22 तारीख को, और आपने कोई व्यावसायिक विषय भी चुना है, इस बार से नया एक जुड़ा था, तो वो आपका 23 तारीख को होगा, ठीक है। तो ये था पहले बच्चों एग्जाम रूटीन, लेकिन एक दो डेट और इम्पॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। डेट है बच्चों कि आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कि एडमिट कार्ड जिसको आप ना इस बार आपको मिलने वाले हैं वो बच्चों मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 से लेकर के 15 जनवरी के बीच में। इसके बीच में इतनी फालतू वीडियोज यूट्यूब पर आ जाए भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, नहीं होने वाला है, 8 से 15 के बीच होगा। प्रैक्टिकल कॉपी आपको जमा करना है फाइनल के लिए मेरे बच्चों, वो हो जाने महना प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला 18 से 20 जनवरी के बीच में, रिजल्ट आपका आ जाएगा मेरे बच्चों अप्रैल महीने में। बहुत खुशी की बात है कि अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी आप अपनी इंटर की तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है अपने परिवार के लिए बच्चों, ये है बच्चों क्रैश कोर्स का डेट, क्योंकि ये सब डेट तभी मंगल हो पाएगा, ये सभी डेट तभी मंगल हो पाएगा जब यहाँ मंगल होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये डेट है 7 दिसंबर को अपना दिशा ऑनलाइन क्लासेस का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो जो बच्चे चाहते हैं अपने सपने को ऊंची उड़ान देने के लिए, अगर आप 300 के बंदे हैं, आप चाहते हैं 350 पहुंचे, 350 वाले 400 पहुंचे, 400 वाले 450, 450 वाले टॉपर कैसे बने, तो पहले बच्चों सबके लिए एक ही दवा है, वो है क्रैश कोर्स जैसा ऑनलाइन क्लासेस का आपका अपना प्यारा चहता क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आप लोग बच्चों सभी लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। मुझे पूरा उम्मीद है सब लोग ज्वाइन हो भी चुके हैं, जो लोग नहीं हुए हो जाइएगा। क्रैश कोर्स की फीस बच्चों अगर आप ये 5 दिसंबर से पहले, 5 दिसंबर को इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले बच्चों आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके बाद देख रहे हैं तो हो सकता है प्राइस वगैरह अगर बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों की जिसकी फीस है 251 रुपये। इसमें आपको मिलता है बच्चों क्वेश्चन बैंक पूरा 2011 से लेकर के 21 ना 2011 से लेकर के 23 के क्वेश्चन बैंक आपको मॉडल सेट मिलते हैं। रामबाण सीरीज, तांडव सीरीज, रामबाण बच्चों ऑब्जेक्टिव की सीरीज है, तांडव 2 अंक के प्रश्नों की सीरीज है, और अंतिम प्रहार 5 अंक की सीरीज है। सारे नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर पूरा नोट्स मिलेगा जितने दिशाओं का नोट्स हैं। फिर जो लास्ट में आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलता है मेरी
मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूँ और बच्चों पूरा सपोर्ट मिलता है एग्जाम टाइम तक, आपको हमेशा आपके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का आपको मौका मिलता है। इसके बाद बच्चों और बात करते हैं आप मेरे पहले वाले पूरे फुल कोर्स को, फुल कोर्स को भी अगर आप लेना चाहते हैं उसके साथ में क्रैश कोर्स यानी पहले का पूरा कोर्स, तो मैं कहूँगा ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मात्र 299 रुपये, जिसकी फीस बच्चों 499 रुपये थी उसे मात्र 299 रुपये कर दिया गया। इसमें बच्चों क्रैश कोर्स भी सामने है आपको, तो आप इसको भी ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। और पहले बच्चों ये है बिहार का सबसे ज़्यादा चहता एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन टेस्ट, जो भी आने वाला है, और ये एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आप इस वीडियो को मेरे बच्चे 7 दिसंबर के बाद देखेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे दिखेगा और आप लोग इस डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई परेशानी हो आपको कहीं पर, अगर दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहाँ से आप कोर्स परचेस करेंगे, चाहे क्रैश कोर्स हो, इसकी क्लासेस बच्चों एप्लीकेशन और यूट्यूब वगैरह पर दोनों जगह मिलेंगी आपको, ठीक है ना। कुछ क्लास ऐप पर होंगी, कुछ क्लास यूट्यूब पर होंगी। और जो छात्र, अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आपके पास दो दो नंबर हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और आपको जो भी परेशानी है क्रैश कोर्स खरीदने में या कोर्स खरीदने में या फिर कोई हेल्पलाइन, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो पहले बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि किस दिन आपका कौन सा विषय है। बढ़िया से पढ़िए मन लगाकर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे भी, मेरा पूरा भरोसा है आप लोग पर, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।